प्रभु के 16,108 विवाह हुए। कहते हैं बड़ा ही भगवान सुंदर विवाह का ग्रस्त जीवन चला रहे हैं। सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। कितने? हर एक स्त्री से 10 पुत्र और एक कन्या। महाराज, चलो पुराने जमाने में मारवाड़ी में कहावत है कि पहले बालक बड़े होते थे। आज भी कई कई भाई बहन बोल देते हैं हमारे घर में हम 5 बहन, कोई कहता हम 9 बहन। मारवाड़ी में कहावत है पहले बालक कितने होते थे, बोले 2 गोदिया में और 10 अंगुलिया में, यानी सारी तो उंगली भर जाती थी और जो ये गोदी है ना वो भी भर जाया करती थी, इतने बालक हुआ करते। फिर भी उस जमाने में वृद्धाश्रम नहीं थे, थे? अब कितने बालक रह गए हर एक माता पिता पर? 2-4, इससे ज्यादा नहीं ना। लेकिन फिर भी क्या कंडीशन है कि हर एक जिले में 10 वृद्धाश्रम खुले होंगे और उन्हीं चारों के बालक वृद्धाश्रम में पड़े होंगे जिसके 4-4 बालक हैं। और अगर नहीं वृद्धाश्रम में पड़े होंगे तो घर में वृद्धाश्रम वाली हालत कर दी होगी बेचारों की, बांट दिए होंगे 1 महीने बड़े वाले भाई के पास, 1 महीने छोटे वाले के पास, 1 महीने उससे छोटे वाले के पास और 1 महीने उससे छोटे वाले के पास। और माता पिता की तबीयत बिगड़ जाए, अपनी आंखों का बता रही हूँ मैं आपको, बिगड़ जाए। और बड़े भाई का अब एक दिन शेष रह गया है और आज का ही दिन पूरे होने के बाद अगला दिन दूसरे भाई का है, अगर उस दिन माता पिता की तबीयत बिगड़ गई तो उनका इलाज नहीं करवाएंगे, वो छोटा वाला करवाएगा। हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई ना। और छोटा वाला स्वीकार करे नहीं, तुमने बीमारी लगाकर भेजा है, हम नहीं खर्चा करेंगे, बेचारे माँ बाप का क्या होगा आप बताएं। ऐसी ऐसे माता पिता रो पड़ते हैं, ये हंसने की बात नहीं है, गंभीरता वाली बात है कि उनकी हालत ऐसे कर दी। अपनी इन आंखों का आपको बता रही हूँ कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी आंखों से। बहुत पैसा, ऐसा नहीं कि उनके पास गरीबी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत पैसा है, बच्चे अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं सभी, लेकिन माता पिता के लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। अपने बालकों के सुख के लिए बड़ी बड़ी आइडिया लगाते हैं, ये करेंगे, बड़े बेटे को ये गाड़ी दिलवाएंगे ये, पर माता पिता के लिए जिन्हें प्रेम की आवश्यकता है, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगले चाहिए, ना अन्य सुख चाहिए, वो नहीं दे पाते आज के बालक। धिक्कार है ऐसे बालकों पर जो अपने माता पिता का, जिस समय कहते हैं एक तो बचपन होता है जिस समय हम जन्म लेते हैं और जब वृद्धावस्था आती है तो समझ लीजिए वो बुढ़ापा नहीं, वो माता पिता का दूसरा बचपन आरंभ होता है और उसमें उनको आपके प्रेम की आवश्यकता होती है। उस समय आप अगर कटु वचन बोलते हैं, अगर वो कहते हैं ना जैसे हम बालक थे तो माता पिता को कभी इधर चांटा मार दिया, कभी उधर मार दिया, फिर भी माता पिता कभी हमें पटकते नहीं थे, कितना कुछ किया, कभी बाल पकड़ लेते माँ के, कभी लात मारते, कभी पिता अगर कुछ चीज नहीं दिलवा रहे, गोदी में नहीं ले रहे तो फिर उनको थाप दे दे कर आते, मुझे लो मुझे लो, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना उस चीज का, हमें हमेशा सीने से लगा कर रखा, बड़ा कर दिया। अब उनका बचपन आरंभ हुआ तो हमने क्या किया, उन्हें बड़ा बहुत बुरा भला सुनाया, उन्हें बांट दिया और कहो तो घर से बाहर बेदखल कर दिया। बल्कि ऐसे में तो माता पिता को प्रेम की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उनका दूसरा बचपन आरंभ हो जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने जीवन में, अब उनके विश्राम का समय है। हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, जिन्होंने हमें अपना जीवन लगाकर इतना बड़ा किया, क्या उनके इस बुढ़ापे में हम सेवा का कोई अधिकार नहीं बनता? मुझे बार बार मन से कहना पड़ता है इस बात को, माता पिता की सेवा करें, उनका दूसरा बचपन है उसको मरने ना दें उनको, क्योंकि वो रोटियां बड़ी बोझ लग जाती है माता पिता की। देखिए ये है कलयुग का जमाना, ये सर है कलयुग का, खासकर आज की बहुएं
किसी को बुरा लग रहा हो तो आप बुरा मान लीजिएगा, लेकिन देखो व्यासपीठ से तो मैं सत्य बोलूंगी। बहुओं का भी थोड़ा सा व्यवहार, क्योंकि माताओं को, स्त्रियों को बड़ा क्षमा गुण दिया गया है, स्त्रियों को सौम्य स्वरूप कहा गया है, देवी कहा गया है, लेकिन वही माताएं, बहनें जो अपने माता पिता के लिए बड़ा प्रेम रखती हैं, उन पर संकट आ जाए तो भाई को कोसती हैं, लेकिन भूल जाती हैं मेरे पति का भी माता पिता है, मेरे पति के भी माता पिता हैं, अगर मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया तो इनका क्या होगा, इनका तो मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं है, मुझे सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और वही बहुएं अलग होने की लड़ती अपने माता पिता के लिए चाहेंगी कि हमारा भाई सेवा करे, लेकिन अपने लिए चाहेंगी कि मेरा पति अलग रहे। क्या ये शोभा देता है? अगर ऐसे ही संस्कार हैं तो आने वाले समय में बालकों को भी यही पढ़ने वाले हैं, वो आपसे अलग रहना चाहेंगे। इसलिए संस्कार दें बालकों को, आपका भी अगला बचपन आएगा और आप इस स्थिति से ना गुजरें, इस बात का जरूर विचार करिएगा। घर जाकर एक बार जरूर मनन करिएगा कि आज जो आपके बड़े बुजुर्ग जिस स्थिति में हैं, कल अगर आप रहे तो क्या होगा, अगर ऐसा व्यवहार जो हम कर रहे हैं उनके साथ वो कल हमारे साथ हुआ तो कोई बात नहीं, आप करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते और नहीं सह सकते तो बदलाव करें अपने में। ईश्वर सब देख रहा है और उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्ति को समय पर भुगतना पड़ता है, कोई नहीं रोक सकता उसे, विधाता नहीं मिटा सकते, पूजा पाठ नहीं मिटा सकता, सत्संग केवल मन को परिवर्तन कर सकता है, आपको सही दिशा दिखा सकता है, गलत दिशा के लिए निर्देश नहीं करेगा। और जो गलत करते हैं वो 10 बार सत्संग में आ जाएं, अगर कथा को नहीं उतारा, उससे परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं।